Change is the only constant thing in the world. बदलाव इकलौती ऐसी चीज है जो स्थाई है, यानी एक बदलाव ही है जो बदलता नहीं, समय बदले जा रहा है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, क्योंकि हम इन सबको अचानक ऐसी आवश्यकता आ गई है जिसमें हमें बहुत सारे आविष्कार करने पड़ रहे हैं। हम सब घरों में लॉकडाउन है और वो चीज जो हमने पहले कभी नहीं सोची थी आज हम सबको करनी पड़ रही है। एक ऐसा सेक्टर है जिसको इस समय अचानक से बहुत ज्यादा नीड पड़ गई है वर्क फ्रॉम होम करने की, वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर। जी हाँ, सबकी क्लासेस शुरू हो गई हैं जी, ऑलमोस्ट मेरे तो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की भी शुरू हो गई है, क्या कह रहे हो आपकी नर्सरी के लिए भी हो गई है, उनकी भी हो गई है, लेकिन ये जो सारी टीचर्स हैं इन्हें बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, मतलब हमारे बच्चों को भी आ रही है पर टीचर्स को भी आ रही है, उनकी दिक्कतें थोड़ी अलग तरह की है क्योंकि दे आर नॉट यूज टू यूजिंग द टेक्नोलॉजी। उन सबके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हमें सब ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अरे सर आज तक जरूरत ही नहीं थी ना, लेकिन अब जरूरत पड़ रही है। और ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बच्चे को 2-3 महीने के लिए कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा ना भाई साहब, वो ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सभी टीचर्स के एफर्ट्स को जो ये काम कर रहे हैं और इस समय अपने आप को अपग्रेड करके बच्चों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो सीरीज हमने थोड़ी सी चेंज करी है हमारे चैनल पे, हमने ये वीडियो सीरीज डेडिकेट करी है उन टीचर्स के लिए जिन्हें थोड़ा सा हम हेल्प करने वाले हैं घर पे अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ अच्छी ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए। एक जो मेजर प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है, जितनों से भी मेरी बातें हो रही है वो सब मेरे को कह रहे हैं कि यार एक प्रॉब्लम बहुत आ रही है, वो ये है कि हैंड रिटन नोट्स कैसे दें। ये बहुत प्रॉब्लम है, मतलब कुछ का व्हाइट बोर्ड है वो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं लेकिन ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड पे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर जरा सा भी नेटवर्क में इशू है तो साफ नहीं आता। सेकेंडली वो क्या करते हैं, अपने फोन का कैमरा यू ऑन करते हैं और यू लिखने लगते हैं। अब कई फोन के कैमरा ऐसे हैं जो कि बाद में उस इमेज को इन्वर्स कर देते हैं, यानी वो लिख सीधा रहे हैं, देख उल्टा रहे, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। या एक और तरीका भी है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम सब ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे इस फोन को यहां पे लगाएंगे अपने ट्राईपॉड से और यू लिखा करेंगे, लेकिन वो लॉकडाउन खुलने के बाद होगा ना, तब तक तो बड़ी दिक्कत है, तब तक कैसे लिखें। अच्छा फिर एक तरीका और है, फिर कंप्यूटर यूज कर लेते हैं तो कंप्यूटर में हम लोग टाइप कर देंगे हमने जो करना है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि कंप्यूटर में बहुत सारे साइंस नहीं मिलते, जैसे कि मैथ्स अगर हम कर रहे हैं और हम लिखना चाहते हैं बेसिक सम लिखना चाहते हैं 2+2 या 2×2 तो 2×2 के लिए हम लोग एक्स बनाते हैं, लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मल्टीप्लाई का सिंबल डालते हैं तो स्टार लेता है। इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, ट्राइंगल्स बनाने की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हमें बहुत प्रॉब्लम दे रही है, तो हम लोग वो सब नहीं कर पा रहे, वो नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि हैंड रिटन नोट्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके वैसे जो ऑब्वियसली डिजिटल तरीके हैं, आपका डिजिटल पेन होना चाहिए, वो होना चाहिए, लॉकडाउन खुलेगा तब खरीद लेना, अभी के लिए आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, आपके पास एक पेन होना चाहिए। मैं एक अच्छा सा मार्कर पेन यूज कर रहा हूं, आपके मार्कर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे जो भी पेन है वो इस्तेमाल कर लीजिए, और एक प्लेन पेपर होना चाहिए, प्रेफरेबली व्हाइट, अगर व्हाइट है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी पेपर अवेलेबल है सर वही यूज करेंगे। हमने कैसे करना है आइए सीखते हैं, बहुत सिंपल है सर, पेन खोलिए और लिख लीजिए जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। से जैसे मैंने अभी एक बेसिक बात कही, मल्टीप्लीकेशन के सम में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन का सम ही यहां पर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 5 × 7 = 35। जितने आराम से मैंने ये पेपर पे लिख लिया ना सर, मैं दावे से कह सकता हूँ इतने आराम से ना आप इसको टाइप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टिपिकल चीज है, राइट, मतलब सिंपल है लेकिन टाइप करने में थोड़ी सी टिपिकल है। अब इसको हमने दिखाना कैसे है, आई नो आपको नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, मैं ऐसे थोड़ी दिखाऊंगा, ऐसे तो आपको भी नहीं दिखा पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको हमने कैसे बच्चों तक पहुंचाना है, बड़ा सिंपल तरीका है सर, अपना फोन लीजिए और फोन पे एप्लीकेशन डालिए, वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल भी आती है कैमरे स्कैनर की, प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगी, आप यहाँ साइड में देख भी पाएंगे, यहाँ साइड में देख पाएंगे कि मैंने एक आपके लिए डाल दिया है कि ये कौन सी वेबसाइट है, आप वो लोगों वहां से ढूंढ सकते हैं। ये मैंने आपके लिए अपनी ये खोल ली है एप्लीकेशन कैम स्कैनर, इसमें यहां पे जाके स्कैनिंग का बटन है, इसको ऑन कर देंगे, अलाउ कैमरा के लिए पूछ रहा है तो कैमरे को अलाउ कर दीजिए सर। तो ये खुल गया है, इन्होंने एक डेमो हमें दिखाया है, अब डेमो की जरूरत नहीं है, हम अपना करेंगे। अपने सम के ऊपर जाके, ये बहुत बड़ी शीट भी हो सकती है, मैंने छोटी सी शीट पे थोड़ा थोड़ा लिखा है, या चलिए फटाफट थोड़ा सा और लिख लेते हैं जो भी मैं और पढ़ाना चाहता हूँ, आप कुछ भी लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हिंदी का भी ट्राई कर लेते हैं सर, हाथों हाथ क ख ग
ये सारी चीजों को मैं यहां पे स्कैन करने वाला हूं, इसको बिल्कुल सीधा रखूंगा मैं, और मैंने ये एक फोटो इसकी खींच ली है सर। अब देखिए सर ये स्कैन हो गया, नेक्स्ट पे जा सकता हूं। ये मेरे को ऑप्शन भी दे रहा है, मैं चाहूं तो इसको मैं थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर सकता हूं सर, जैसे ये इतना बड़ा हिस्सा नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं कि यार बस इतना दे दे यार, ये भी बहुत है। और अब इसको नेक्स्ट करेंगे सर, तो देखिए इमेज को कॉपी करके डिजिटल नोट में कन्वर्ट कर दिया बस सर। सेव कर लीजिए और जब भी आप अपना जूम खोलेंगे वहां पे शेयर फाइल के अंदर आप इस फाइल को दिखा पाएंगे। इस फाइल को आप और जूम करके भी बच्चों को दिखा पाएंगे ताकि बच्चे आराम से इस सम को इस्तेमाल कर सके। तो देखा सर आपने कितना आसान था, और बिल्कुल कोई ज्यादा सामान हमें लगा नहीं, जो सामान घर पे अवेलेबल था हमने वही यूज किया। और भी आपको जो भी समस्याएं आ रही हो इस डिजिटल क्लासेस में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, यहाँ नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसको जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।